अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग मुसल्लम। ये मैंने ली है 1 किलो चिकन, फुल ली है ये। इसको मैंने धो दिया है और कट्स लगा दिए हैं इसके ब्रेस्ट में, लेग पे भी लगाया है, एक यहाँ और एक यहाँ पीछे साइड में भी लगाया है ताकि मसाला अच्छे से इसमें घुस जाए। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, नमक टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरेंज रेड कलर, दही डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून भरकर, 4 टेबलस्पून यानी 1/4 किलो दही डाल दिया इसमें। आपको इसमें 1/4 किलो दही डालना है। अब मैं सारे मसाले एक साथ मिक्स कर रही हूँ। चिकन के अंदर हम अच्छी तरह से मसाले को मसाज करके लगा देंगे। आप चाहो तो इसको बाहर या फ्रिज में रख दो। ये मैंने लिया है 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून खसखस, 10 काजू, 10 बादाम, 1/2 टीस्पून अक्खी काली मिर्च, 1 टीस्पून चिरौंजी चारुली, 4 हरी मिर्चियाँ, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3 छोटी छोटी दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है इसमें मैंने। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालकर प्याज को मैंने सॉफ्ट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। हरी मिर्ची कट लगाकर फ्राई करना है साथ में। अब हम इसको ठंडा करके पानी डाल के थोड़ा सा पीस लेंगे। 1/3 कप तेल गरम हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 मीडियम साइज कटी हुई प्याज, 1/4 कप नमक डाल देंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे फ्राई कर लेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक। मीडियम फ्लेम पे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम मेरे पास चिकन का कीमा है, धो दिया है इसको। फ्लेम स्लो है, नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया है इसमें 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। 1/3 कप हरा धनिया भी काट कर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। नमक कम लगे तो नमक भी आप ऐड कर सकते हो। अभी बॉईल कर लिए हैं, 2 बॉईल्ड अंडे ऐड कर देंगे। अंडे को
मिक्स कर लेंगे खीमे में। चिकन को मैरिनेट करके एक घंटा हो चुका है। अब हम इस चिकन के पेट में कीमा जो हमने तैयार किया है वो भर देंगे। अंडा भी इसमें भरेंगे। सारा कुछ इसमें भर देंगे कीमा। देखिए मैंने कीमा इसमें भर दिया है। चम्मच से थोड़ा इसको स्टफिंग को अंदर भी करेंगे। अब हम इसके लेग को इस तरह से बांध देंगे। धागा भी मैंने धो कर लिया है। लेग इसका मैंने बांध दिया है इधर से। अब जो बाकी का हिस्सा खुला है वो टूथपिक से इस तरह से सील करेंगे इसको। देखिए टूथपिक से मैंने ये हिस्से को अटैच कर दिया है एक साथ। 1/3 कप तेल गरम हो चुका है। फास्ट फ्लेम पे मैंने इसको गरम कर दिया है। तेल को फ्लेम स्लो कर दूंगी। और ये मैरिनेटेड चिकन हमारी जो स्टफिंग भी कर दिए हैं हमने ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। ढक देंगे इसको। इसको ढककर रखते हुए 10 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ढक्कन हटा दिया है मैंने। टर्न कर देंगे दूसरी साइड पे इसको। फिर इसे को हम वापस से पका लेंगे ढककर 10 मिनट के लिए। देखिए दूसरी साइड से भी मैंने इसको 10 मिनट तक ढककर पका लिया है। अब हम इसको चिकन को निकाल देंगे। गैस ऑफ कर दिया है मैंने। देखिए दूसरी साइड भी इसका पक चुका है, फ्राई हो चुका है। चिकन तला हुआ तेल गरम हो चुका है, फ्लेम स्लो कर दिया है। मसाला जो मैंने पीसा है यह अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पानी घोल के भी इसमें ऐड कर देंगे। मसाला जो मैरिनेट का था वो भी इसमें पानी घोल कर ऐड कर देंगे। फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे मसाले को। फ्लेम मैंने फास्ट कर दिया है। अच्छा बॉईल ले लेंगे। वन थर्ड कप दूध में मैंने थोड़ा सा जाफरान केसर मिक्स कर दिया था, भिगो दिया था इसे आधे घंटे के लिए। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जाफरान का दूध ऐड करके मिक्स कर देंगे। हाई फ्लेम पे भून लेंगे मसाले को। बॉईल आने पर फ्लेम स्लो कर दिया है। दो छोटे छोटे टमाटर का पेस्ट बना दिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। टोमेटो पेस्ट डाल के मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट तक मैंने मसाले को मीडियम फ्लेम पे भून दिया है। इसकी कच्ची स्मेल जा चुकी है। अब हम जो चिकन हमने निकाली है ये चिकन इसमें ऐड कर देंगे।
ग्रेवी इस पर डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे इसका। अब हम इसको ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए सिम पर। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोल देंगे, गैस ऑफ कर देंगे, जलता हुआ कोयला रख देंगे। घी डाल देंगे इस पे, ढक देंगे, 10 मिनट बाद खोलेंगे। 10 मिनट बाद खोल देंगे, कोयला निकाल देंगे। मसाले में मैंने नमक डाला था, प्याज काजू बादाम पीसने में मैंने नमक डाला था पीसने में, इसलिए नमक एकदम परफेक्ट है मेरी ग्रेवी का। चिकन में भी नमक परफेक्ट है, मसाला लगाते टाइम चिकन में भी मैंने नमक डाला था। मुर्ग मुसल्लम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो बस लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।